हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इथवी में। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं जिनको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हो गया कि फाइनल रिजल्ट की आपकी अनुमानित तिथि क्या है, और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले अभ्यर्थी डीबी में यहाँ पर कैसे शामिल हो गए, क्या कट ऑफ में बड़ा उलटफेर हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पर मिलती रहे, जो कि अपडेट आपको यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग तक की संबंधित सभी अपडेट आपको इस चैनल पर यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है ब्लॉग का। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के डेट में यहाँ पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटीज। देखिए, हमारे उस चैनल का लोगो है इस प्रकार का, हैशटैग पीके ब्लॉग अगर आप सर्च करेंगे तो इसी प्रकार का सिंबल आएगा। आप उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिए उस चैनल को, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर एक बार विजिट करिए और कंटेंट को देखिए कि कंटेंट कैसा है। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस प्रकार का आप लोगों ने प्यार इस चैनल पर दिया है, उसी प्रकार का प्यार आप लोग इस चैनल पर भी दीजिए और अधिक से अधिक वहाँ पर सब्सक्राइबर गेन कराइए। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगली खबर पर। तो देखिए, फाइनल रिजल्ट की अनुमानित तिथि क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका इसी सप्ताह, आपका जो रिजल्ट है वो इसी सप्ताह यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। और अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स की बार बार यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो इसी सप्ताह यहाँ पर घोषित किया जाने वाला है। और देखिए, अगली अपडेट है कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले अभ्यर्थी डीबी में यहाँ पर कैसे शामिल होंगे। फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर केवल जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रखा था, उनको तो यहाँ पर डीबी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के साथ साथ एएनएम का भी कोर्स कर रखा था और यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर डीबी के लिए अलाउ कर दिया गया है और आगे के प्रोसेस में वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इनका कंप्लीट हो गया है और आगे का जो यहाँ पर प्रक्रिया है रिजल्ट की, उसमें ये यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जीएनएम में यहाँ पर संविदा के पद पर कार्यरत हैं, तो उनका तो जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, चूँकि एएनएम का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा था। तो अगर एएनएम के थ्रू आप अगर यहाँ पर संविदा के पद पर कार्यरत हैं, तभी आपका जो एक्सपीरियंस का जो मार्क्स है वो यहाँ पर ऐड होने वाला है। अगर आपने जीएनएम के थ्रू यहाँ पर संविदा जो कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर मार्क्स आपका ऐड नहीं होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैंडिडेट ने यहाँ पर एएनएम कर रखा था, वो यहाँ पर जो कि आगे की प्रक्रिया में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं जीएनएम के साथ साथ और बीएससी नर्सिंग के साथ साथ, अगर उन्होंने एएनएम कर रखा है तो आगे की प्रक्रिया में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और देखिए, क्या कट ऑफ में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, जरूर यहाँ पर देखिए, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के जब स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे तो कट ऑफ में जरूर बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग हायर एजुकेशन है, तो इसके जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो मार्क्स अच्छा गेन किए होंगे, तो उनकी अपेक्षा यहाँ पर कट ऑफ देखिए थोड़ा बहुत उलटफेर होने वाला है। वो भी हम आपको एक दो दिन में क्लियर कर देंगे, और जो यहाँ पर जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो भी एक दो दिन में क्लियर होते ही आपको उसका भी अपडेट दिया जाएगा। तो यही एक आपका जो है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो आने वाली अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलेगी, जो भी कट ऑफ से रिलेटेड हो या फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हैशटैग पीके ब्लॉग, तो कुछ इसी प्रकार का सिंबल यहाँ पर सर्च होकर आएगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि उसको भी इसी प्रकार का प्यार मिले जैसा कि आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को यहाँ पर दिया है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दे रहा हूं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका भी जवाब दिया जा रहा है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।